स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आफ्ताब हिस्ट्री क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द ज्योमेट्री रचना। तो है रचना कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का समरूप त्रिभुज AB'C' की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं 3/4 गुनी हैं। तो दोस्तों, ये जो रचना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए सीखते हैं तुरंत इसको कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी कापी किताबें निकाल कर बैठें और एक कापी ले लें, पटरी पकड़ पेंसिल को उठा लें और मेरे साथ में आप भी आ जाएं इस रचना पर। तो सबसे पहले पटरी उठाएं आप भी और लिखा हुआ है AB 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर दोस्तों, 5 सेंटीमीटर की जो है दूरी लेकर हमें क्या करना है, एक रेखा AB खींच देनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रेखा हम AB खींचेंगे। दोस्तों, तो देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है 0 से, ये कहाँ से खींचनी है, 5 तक, ये 5 तक खींच दिए। तो दोस्तों, ये रचना उठी मैं खींच दी है कि ये रचना जो है ये यहाँ पर ना खींच कर अगर मैं इसको बीच में रखूँ तो ये बेहतर रहेगा। थोड़ा क्या करना है हमें कि 5 सेंटीमीटर खींचनी है, देखिए यहाँ पर खींच रहा हूँ तो 5 सेंटीमीटर के पहले रचना खींच लेते हैं। मुझे रेखा खींच ली 5 सेंटीमीटर की, ये यहाँ से ये दोस्तों ने क्या किया, एक रेखा खींच ली हमने AB, कह रहा है कि AB 5 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों क्या किया मैंने कि सबसे पहले एक रेखा AB जो है वो खींच लिया, AB ये कितना खींचा है, ये मैंने 5 सेंटीमीटर खींच लिया है। अब कह रहा है कि BC 3 सेंटीमीटर, मतलब BC खींचना है 3 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे दोस्तों हम कि 3 सेंटीमीटर की दूरी को लेकर, 3 सेंटीमीटर की दूरी को लेकर क्लियर करके यहाँ से एक हम चाप लगाएंगे बिंदु बी से, बिंदु बी से 3 सेंटीमीटर की दूरी का हम एक चाप लगाएंगे। चाप लगा लिया दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब बिंदु AC दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तो ए से चाप लगाना है, सी के लिए 4 सेंटीमीटर का। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप पुनः लगाएंगे बिंदु ए से, बिंदु ए से क्या किया हमने, चाप लगा दिया। ये दोनों चाप जहाँ पर काट गए एक दूसरे को, वो हमारा बिंदु आ गया दोस्तों सी। अब हमें क्या करना है कि हम बी से मिला दें सी से मिला दें हम बी को। देखिए दोस्तों, हमने सी से अब हमने बी को मिला दिया है और इधर हम ए से सी को मिला देंगे, ए बिंदु ए से बिंदु सी को मिला देंगे, बिंदु ए से और बिंदु सी को मिला दिया। अब हमने क्या किया, बिंदु ए को सी से मिला दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारा त्रिभुज ABC तैयार हो गया। दोस्तों कौन सा त्रिभुज हमारा, ABC। अब हमें सवाल क्या कहना है कि इस त्रिभुज के समरूप, मतलब रूप ऐसा ही हो, एक अन्य त्रिभुज है AB'C' की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 3/4 गुनी हो, मतलब इस त्रिभुज की भुजाओं की 3/4 गुनी हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम एक बिंदु हम बी है, बिंदु बी से हम एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींच देंगे। न्यून कोण का मतलब 90° से जो कम होता है कोण, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण बनाते हुए हम एक रेखा दोस्तों खींचेंगे यहाँ से, कितने अंश की, न्यून कोण की बनाती हुई। तो हमने क्या किया, 90 से कम की हो देखा तो मैंने एक रेखा खींच दी यहाँ से। देखो मान लीजिए हम एक ये रेखा खींच रहे हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ से नीचे की ओर रेखा खींच दी है, ठीक है दोस्तों। रेखा खींचने के बाद अब हमें यहाँ पर देखना है, हमें अनुपात दिया गया है कि 3/4 ये दिया गया है दोस्तों। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इतनी रेखा दी गई है, इसमें देखो 3 और 4 सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे हम, 3 या 4 है। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 4। तो हमें इस बिंदु से हमें इस रेखा पर जो है 4 चाप लगाने हैं। अगर 5 होता है बड़ा बिंदु तो 5 लगाते हैं, 4 चाप लगा देना है। तो देखिए अपनी दूरी लेकर, जितनी चाहे अपनी दूरी लेकर 4 चाप लगा लीजिए। तो चाप लगाने के लिए देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चाप, मैंने इतनी दूरी रखी है क्योंकि मेरा जगह कम है थोड़ी सी, तो मैंने चाप लगाया पहले। देखिए एक ये चाप लगा हमारा एक, फिर मैंने यहाँ से लगाया एक दूसरा चाप, एक दो चाप लगे दोस्तों। अब देखिए तीसरा लगाया मैंने फिर से पुनः तीसरा 3 और एक फिर से यहाँ से लगाया है चाप, तो हमारा एक ये चौथा दोस्तों कितने चाप लगाया मैंने, 1 2 3 4। नाम देखिए मैं इसका लिख रहा हूँ, देखिए नाम लिख रहा हूँ इसका, एक हो गया A1 A2 A3 A4 मैंने 4 चाप लगा लिए। अब दोस्तों देखिए इसके बाद क्या करना है हमें, अब हम देखेंगे नीचे लिखी हुई संख्या को, नीचे कितना लिखा हुआ है, अगर नीचे 4 लिखा हो या 5 6 कितना भी लिखा हो 3,
तो उस वाले पॉइंट पे जाएंगे हम। कितना लिखा, 4 लिखा हुआ है, हम पहुंच गए चौथे वाले पॉइंट पर। अब हमें क्या करना है, चौथे वाले पॉइंट से जो बिंदु बी था हमें उससे मिला देना है। दोस्तों मिला दिया हमें, इससे मिला देना है, तो इससे हमने इसको मिला दिया। ठीक है दोस्तों, अगर नीचे पॉइंट 3 लिखा होता तो हम 3 से जाकर इसको मिला देते, अगर 2 लिखा होता 2 से मिला देते, 6 लिखा होता तो हम 6 से इसको मिला देते, लेकिन लिखा कितना है दोस्तों, 4 लिखा हुआ, 4 से मिला दिया हमने। इतना काम करने के बाद अब क्या है, अब देखेंगे ऊपर पॉइंट कितना लिखा हुआ है, ऊपर वहाँ लिखा हुआ है 3। अगर यहाँ पे 6 पॉइंट होता तो आगे लिखा हो जाकर 6 पॉइंट से मिलाते हम, लेकिन नहीं ऐसा है, यहाँ पे है 3, तो हम तीसरे पॉइंट पर आएंगे, तीसरे पर आ गए पॉइंट पर, यही तीसरा पॉइंट है। अब हमें दोस्तों एक काम करना है यहाँ पर कि इस ये रेखा हमारी A4B है, इसके समांतर ऐसी एक रेखा यहाँ से खींचनी है हमें। देखिए उसका एक दूसरा तरीका भी होता है, अगर आप समांतर रेखा ना खींच पाते हैं तो देखिए बता रहा हूँ मैं आपको क्या करें, आप A4 पर प्रकार की नोक को रखकर आप पहले एक चाप लगाएं, यहाँ से ऐसे चाप लगा लिया, फिर वही दूरी लें और आप वही A3 से वहीं से A3 से एक चाप लगा दें, ऐसे करके लग गया चाप। अब आप क्या करें, चाप लगने के बाद अब आप ये वाली दूरी यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से दूरी ये वाली दूरी दिखाई दे आपको, समझ में आ रही होगी, ये वाली दूरी लेकर और आप ये वाली इतनी दूरी दोबारा से लेते हैं और ये चाप यहाँ से लगा दिया लगा देते हैं कि ये यहाँ से ये देखो देखो ये देखो इस लाइन को काट गया है, वही दूरी लेते हुए भी आप एक फिर से चाप लगा दें, ये देखो दोनों एक दूसरे चाप काटते हैं, वहीं से हम क्या करेंगे एक रेखा खींच देंगे, इसे रेखा क्या करें खींच देंगे, जो रेखा खींचेगी वो रेखा जो होगी परस्पर इसके समांतर होगी, इसके समांतर ने क्या क्या एक रेखा खींचेगी। जो कंडीशन दोस्तों यहाँ पर आ गई वो हमारा बिंदु आ गया बिंदु बी डैश, कौन सा बिंदु आ गया बी डैश, डी से बिंदु आ गया। अब दोस्तों हमें क्या करनी है, जो कंडीशन हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित हुई थी बस वही घटना हमें यहाँ पर भी वैसे करना है कि बिंदु बी से जो हमने दूरी लेकर एक चाप लगाया था, ये चाप लगा था मेरा यूं लगा था, ऐसे ही बी डैश पर एक ऐसे चाप लगा देना है हमें। ठीक दोस्तों चाप लगा दिया, अब उतना चाप लगाने के बाद क्या करेंगे, बी डैश की दूरी लेकर एक हमेशा चाप लगाएंगे ऐसा, ये यूं जो इससे होकर जाए कहाँ से, यहाँ से जो यहाँ से होकर जाए दोस्तों, ये देखिए चाप लग रहा है आपका, सेम वही था चाप लगा दिया, देखो चाप लग गया वैसा। अब वही दूरी लेकर एक चाप हमने क्या किया यहीं से लगा दिया, चाप यहाँ से लगने के बाद बिंदु बी से क्या किया हमने, बिंदु बी से हमने क्या किया इस बी डैश से होती जाती हुई एक रेखा खींच दी। देखिएगा आप लोग कि ये जो रेखा है ये परस्पर इसके कैसे समांतर है, हमें ये रेखा खींचनी थी, हमारा ये बिंदु आ गया ए सी डैश। तो देखिए हमारा त्रिभुज बना है इसमें त्रिभुज ए, फिर ये बी डैश और ये सी डैश, दोस्तों ये बना है त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज बन गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप क्या समझिए इसको, सबसे पहले समझ लीजिए फिर से एक बार कि त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें ए बी 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले मैंने क्या किया एक ए बी 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, बी सी 3 सेंटीमीटर, बी से एक चाप लगाकर दूरी लेकर 3 सेंटीमीटर की 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप खींचा, फिर ए सी से 4 सेंटीमीटर, तो हमने ये दूरी जो थी 4 सेंटीमीटर की लेकर एक चाप लगा दिया, ये सभी एक दूसरे को सी पर काट गए। इसके बाद इस त्रिभुज का समरूप त्रिभुज ए बी डैश सी डैश रचना कीजिए जिसकी वजह 3/4 गुनी हो इस त्रिभुज की। मैंने क्या किया सबसे ज़्यादा पॉइंट देखा 3, 4, तो मैंने क्या किया नीचे ए बी ए बिंदु ए से न्यूनतम कोण आते हुए रेखा खींच दी, तो इसे यहाँ पे था 4, तो मैंने 4 वाले बिंदु पर नीचे जितना लिखा होता है उस बिंदु से लास्ट वाले बिंदु को मिला दिया, ये मिला देने के बाद ऊपर लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट, तो तीसरे पॉइंट पर आया मैं। फिर मैंने क्या किया A4B के समांतर A3BD से रेखा खींच दी जो बिंदु BD आ गई है यहाँ पर, अब BD से क्या किया BC के समांतर BD CD रेखा खींच दी, इस प्रकार हमारा त्रिभुज AB'CD बन गया। तो दोस्तों अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल का एक सदस्य नहीं बने हैं तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का सदस्यता हासिल करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।